गुरु शिष्य अंध बधिर कर लेगा, एक ने सुने एक नहीं देखा, रामायण में है, रामायण में गुरु शिष्य अंध बधिर कर, अंधा अंध गुरु जी अंधा ऐसे लाया बोला बहरा वो सुनता नहीं, गुरु दी गई नहीं, नरकों में जाएंगे जो ऐसे ऐसे शिला बनाते हैं नरकों में जाएंगे, चौदह लाख से जाएंगे, उद्धार कैसे हो जाएगा, ना उद्धार होगा उनका ना चेला होगा, दोनों कैसे होगा, उद्धार जानते ही नहीं वे क्या उद्धार करेंगे, उनके मन के में आशा है इच्छा है तृष्णा है वासना है, उनको बताओ मैं लड़ाई मत करो, लड़ाई करना क्या पूर्व लड़ाई होगा, लड़ाई करे मांगने नहीं, वो मांगने है नहीं, अरे मैंने आज खुद कहा है जैसे मांस खोर हो वो मांस छोड़ नहीं सकता, ऐसे आपकी आदत पड़ गई है गुरु बनने की छोड़ नहीं सकते आप, मैंने खुद कहा मांस खाना में मन छोड़ दे रहेगा, चलने पीना चलो छोड़ जाएगा, इसमें आपको पसंद हो गया, ये पुस्तक थी जिसमें त्याग बताया है, कोई त्याग करने चाहिए, ये महाराज जी ऐसे नहीं ऐसे पूछ रहे हैं कि जो आप कह रहे हो गुरु की निंदा नहीं करनी चाहिए जो बना लिया लड़ाई मत करो, लेकिन जो वहाँ फंस रहे हैं साथी उनकी तो बुराई बताए नहीं बताए, मतलब बताओ उन्हें बताओ सही में काया मत करो, काया लड़ाई मत करो, नहीं लड़ाई तो नहीं करेंगे, हाँ कर बताओ, लेकिन उनको ये तो चेताना चाहिए जरूरी, इसलिए उनकी बुराई तो बतानी पड़ेगी ना, बड़े बड़े बुराई नहीं, वे जानते हैं ये निंदा तो नहीं है ना, ना निंदा नहीं है, वे जानते हैं खुद जानते हैं, चेला बन गए पहले बन गए फिर उन्हें करते तो जानते हैं, वे अनजान नहीं है, अंगमी से अभी अंगमी से गजल करें होगा, उनको पता है क्या क्या कहाँ कहाँ कैसे कैसे काम करते हैं, तो मैं वो नहीं कहता तुम लड़ाई करो, ये नहीं कहता, नहीं समझ रहे हो क्या करें, गया काटते हैं क्या करोगे आप, आपकी बात कौन मानेगा, गया काटते हैं रात दिन में मानते हैं क्या, मैंने खुद को कहा जैसे मांस खोर आदमी है चलम करने वाला है वो मांस खोर हो जाओ मांस छूटता नहीं, ऐसे आप चेला बढ़ा दे आपके पसंद बना दिया आपने सूटेगा नहीं, कहने मैं करूंगा नहीं करूंगा, कुछ दिन तो किया नहीं फिर शुरू कर दिया, आदत है आदत बन जाती है, आदमी छोड़ नहीं सकता, मांस खोर रहता है कि बढ़िया गया मांस खाना पर खाना शुरू कर छूटता नहीं, छूट भी छोड़ देते हैं, चलम छोड़ देते हैं, बरसों तक भी छोड़ देते हैं, चाय छोड़ देते पूरा पैसा छोड़ देते हैं, चेला बनाना छोड़ना बहुत मुश्किल है, हमने तो कहा है चेला बनाया है, बस चेला भी बनाया है पूजा भी कराई है पैर भी धोवाए हैं, बहुत कम किया हुआ है मेरे में अनुसार किया हुआ सब देखा है मैंने, जीव का कल्याण नहीं होता, जीव का कल्याण भगवान के भजन से होगा है, सरल शुभावंत मन को लाई जथा लाभ संतोष सदाई, बहुत कहूं का कथा बढ़ाई ये आचरण वश्य में भाई, भगवान स्वयं कहते हैं ऐसे आचरण से मैं बसा हो जाऊं, सरल स्वभाव नोट को नहीं खुदे मतलब नहीं है, सरल स्वभाव है यथा लाभ संतोष भाई लगे हुए रात दिन भजन में है, भाइयो सच्ची बात मानो आप के सच्चे हृदय से भगवान में ले जाऊ, हे नाथ पुकारो, हे प्रभु मैं भूलू नहीं, हे नाथ आपको भूलू नहीं, हे नाथ आपको भूलू नहीं, प्रचार करो प्रचार और जोर से करो भगवान ने कहो आपका उद्धार होगा, ये संदेह नहीं है, सरल हृदय से पुकारो दादी किसका होगा, भगवान करेगा किसका उद्धार करेंगे, प्रार्थना करो भगवान से तो भगवान से लाभ ले जहाँ लाभ भी नहीं मालो और भगवान से प्रार्थना करो, मालिक नहीं है वे हिस्सा है तो उन्हें सुना दो, नहीं तो क्यों लड़ाई करो, मानते नहीं है कहना, मैंने खुद कहा खुद कहा मेरे तो काम पड़ा, मैंने प्रेम रखते हैं मेरे स्नेह रहते हैं प्रेम रखते हैं आते हैं सुनते हैं, स्वामी जी से प्रेम रखते हो स्वामी जी ने आदमी हमारे सुनने को आवेगे भाव ये है, गुरु बना लिया हमारे चेला बनाया नहीं, इस बात जब हमने चेला बनाया नहीं तो आ जाओ वही मर्जी है, मैं तो उसमें लाभ समझता हूँ, अपने सच्चे हृदय से भगवान में लग जाओ लाभ जरूर होगा इसमें संदेह नहीं है, नुकरा कैसे हुआ वो भजन करता है तो किसे सुना होगा कि नहीं, भगवान में लगा तो ये सुना करके लगता है नहीं, जिससे सुना वो गुरु हो गया, वो गुरु माने चाहे ना माने, जिसने भजन की बात बताई वो गुरु हो गया कि नहीं, वो भगवान के नाम लेता है भगवान से प्रार्थना करता है तो किसे सुनी होगा ना, जिससे सुनी उसे गुरु हो गया, वो गुरु बनाना बनावटी क्या काम करेगा, बनावटी चीज क्या काम करेंगे,
गुरु तो वो बन गया जो बात माने, बात नहीं मानो गुरु ऐसा अंध बधिर कर क्या सुना मैं, अंध बधिर क्या सुना, गुरु वो देखता नहीं चेला सुनता नहीं, उसे वो देखता नहीं या चेला सुनता नहीं, कहते तो क्या गुरु जो है उसे कल्याण नहीं होता, ठगाई होती ठगाई। गुरु के बिना जिस इष्ट देव का मंत्र आप रहो उस इष्ट देव को याद करो, आप जपो सच्चे हृदय से भगवान प्रकट हो जाएंगे, भगवान प्रकट हो जाएंगे, गुरु की जरूरत नहीं है, आपका हृदय सच्चा चाहिए, सच्चा हृदय भगवान की तरफ, सच्चे राचे राम सबने कहा ये बात, सच्चाई से भगवान मिलते, आपका हृदय सच्चा होते, हे नाथ हे प्रभु हे प्रभु, आप ये करो मेरी प्रार्थना है, आप सच्चे हृदय से भगवान में लग जाओ, यानी गुरु के इस पत्र में मत पढ़ो। मैंने पुस्तक पढ़ा है, शरणा जी पुस्तक पढ़ा है, गुरु मिल जाए तो बड़ी आफत हो जाएगी तुम्हारे मुझे आफत हो जाएगी, शब्द नहीं मैं साफ, कोई कहते हैं ईश्वर को मानो, कोई कहते हैं कृष्ण को मानो, कोई कहते राम को मानो, कोई कहते हैं नागर मानो, कोई कहते शारदा मानो, अब आप एक को मानो दूसरे को मानोगे नहीं।